गाइस फाइनली हम लोग निकल रहे हैं कपिल के घर से। यहाँ हम रुके हैं, काफी अच्छी लोकेशन थी। ये देखे मेरे पीछे ताड़कासुर ने यहाँ तपस्या की थी महादेव को प्रसन्न करने के लिए, महादेव को प्रकट करने के लिए। हॉर्स राइडिंग है 100 रुपए। 100 रुपए कितने चक्कर? ताड़केश्वर महादेव। तो मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इतनी भीड़ नहीं है जितना लोग बोल रहे थे पीछे कि हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ नहीं है। और प्लीज़ इस मैसेज का सब लोग ध्यान रखें, ये मैसेज को इग्नोर ना करें। ताड़केश्वर धाम के एंट्रेंस में लगाया हुआ है मैसेज ये, तो सब लोग इस मैसेज का ध्यान रखें। देखिए सो पूरी शांति है सच में। आप यहाँ आते हैं आप पूरी थकान टेंशन सब कुछ भूल जाते हैं, पूरा शांति है यहाँ पर, एकदम पीसफुल जगह है। ये देखिए मेरे पीछे इधर जंगल है खाई टाइप की है और ऊपर शेड बना रखी है काफ़ी अच्छा, अच्छी तरीके से, ताकि आप धूप से और बारिश से बच सके। और काफ़ी मतलब अच्छा बना रखा है मंदिर। तो दोस्तों ये तो मंदिर के लिए गया है नीचे रास्ता, ऐसे दो रास्ते गए हैं। ये ऊपर जो रास्ता गया है ये आश्रम के लिए गया है। यहाँ से आप प्री बुकिंग करा सकते हैं अगर आपको रात स्टे करना हो। रात को लोग आके यहाँ पर रुकते हैं और सुबह दर्शन करते हैं, तो आप यहाँ पर रुक कर प्री बुकिंग होनी करनी पड़ती है। और नीचे वाला रास्ता जो गया है ये मंदिर के लिए गया है। और यहाँ लोग मन्नत मांगते हैं, जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो आकर यहाँ घंटी चढ़ाता है ताड़केश्वर महादेव में। ये मंदिर के अंदर हैं हम लोग और यहाँ से कुछ ही दूरी पर मंदिर है, तो मंदिर के अंदर आ चुके हैं और सामने मंदिर के लिए गेट है। और ये देखिए और बड़ा अच्छा मैदान टाइप का है, मैदान टाइप का है। और लोग दर्शन करने के बाद यहाँ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग खाना लेकर आए हैं वो लोग खाना भी खा रहे हैं बैठकर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारे हैं, पूरा एकदम बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर नहाने के लिए कुंड वगैरह भी बनाए गए हैं। ये कुंड है, ये भी कुंड है, महिला स्नान गृह है ये, सब चीज़ की सुविधा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जूते चप्पल वगैरह उतार रहे हैं, जूते चप्पल उतार के सामने मंदिर में दर्शन। देखिए बेंच वगैरह बनाई है ताकि लोग बाग आसानी से बैठकर जूते चप्पल उतार सकें। तो दोस्तों यहाँ मंदिर के अंदर, ताड़केश्वर मंदिर के अंदर इस पेड़ में त्रिशूल बना है। ये देखिए ऊपर, ये ऊपर त्रिशूल बना है।
ताड़का सिंह ने यहाँ तपस्या की थी महादेव को प्रसन्न करने के लिए, महादेव को प्रकट करने के लिए, ताकि वो वरदान पा सके अमर होने का। और ताड़कासुर, जब महादेव ने उसे वरदान दिया तो ताड़कासुर ने शर्त रखी थी कि उनका पुत्र, महादेव का पुत्र ही उसका वध करेगा। तो महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया था। तो ताड़कासुर की तपस्या के कारण महादेव यहाँ प्रकट हो गए, और तब से ताड़कासुर मंदिर में महादेव की पूजा की जाती है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ताड़कासुर ने महादेव को प्रकट करने के लिए कठोर तपस्या की थी। और ये मंदिर जो है वो 1800 मीटर की ऊंचाई पर है, मैदानी उससे इलाके से 1800 मीटर की ऊंचाई पर है, तो काफ़ी अच्छा मंदिर है। और सिद्धपीठ महादेव का मंदिर है ये मंदिर, यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर जो ढका है वो देवदार के पेड़ों से ढका है, ये सारे जितने भी पेड़ हैं देवदार के पेड़ हैं पूरे मंदिर के अंदर। और काफ़ी शांति महसूस होती है यहाँ आके, लोग अपने दुख चिंता से मुक्त हो जाते हैं। राइडिंग हो रही है ताड़कासुर में, घोड़े की सवारी, बच्चे लोग हॉर्स राइडिंग है। 100 रुपए कितने चक्कर? दो राउंड 100 रुपए में 2 राउंड घुमाएंगे। पर जा रहे हैं अब पार्किंग की तरफ, और वहाँ कुछ खाएंगे, क्योंकि आज सुबह जब हम दर्शन करने निकले थे तो हमने कुछ खाया नहीं था, भूखे पेट आए थे, तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो हम लोग पहले पार्किंग पे जाके कुछ खाएंगे, और उसके बाद हमने जो गाड़ी खड़ी करी है वो पीछे खड़ी करी है, तो उसके लिए भी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर हमें पैदल चल के जाना होगा, और वहाँ पर जाकर गाड़ी उठानी पड़ेगी। तो इतनी भीड़ नहीं थी मंदिर में, मतलब ठीक लोग थे, वीकेंड भी था, सैटरडे आज, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बट जो जहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी करी है वहाँ थोड़ा जाम लग गया था, नैरो रोड थी तो इसलिए जाम लग चुका था। तो जाम की वजह से लोगों ने क्या करा, वहीं पर ही गाड़ी पार्क कर दी। उन्होंने सोचा कि मंदिर में भीड़ है काफ़ी और वहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, तो उन्होंने वहीं गाड़ी पार्क कर दी। और हमने भी ये सोचा हमने ही पार्क कर दी, तो वहाँ से हम लोग पैदल चल के आए। पर वैसे इतनी भीड़ नहीं थी, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए और काफ़ी शांति मिली है यहाँ का। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा फील हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, और यहाँ पर आकर आप अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे दुख भूल जाते हैं, और बस महादेव महादेव। और हम लोग थोड़ा ऊपर आए थे, यहाँ हम लोग थोड़ा बात बात कर रहे थे, बातें वगैरह की, हम लोग सब बैठे थे साथ में। ये कुंड बना रखा है नहाने के लिए, छोटे छोटे कुंड बना रखे हैं, एक ये बना रखा है, एक ये बना रखा है, और आगे 2 बना रखे हैं। तो नहाने के लिए कुंड है, और यहाँ पर लोग सिक्के डालकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। आप ताड़कासुर आ रहे हैं तो आप बंदरों से बच कर रहे हैं, यहाँ बहुत बंदर हैं। अभी क्या हुआ कि मेरे हाथ में प्रसाद की थैली थी, और एक बंदर मेरे पास मेरी तरफ आया, और उसने मेरी तरफ देखा, मैंने नीचे रखा प्रसाद, वो प्रसाद ही ले गया, तो सारा प्रसाद ले गया। तो आप लोग आए तो बंदर से बच कर रहे हैं, बहुत सारे बंदर हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं, और आपके हाथ में प्रसाद होगा तो आपकी तरफ आएंगे, तो आपको प्रसाद देना होगा, छीन लेंगे आपसे पन्नी, और फ़ोन भी अपना संभाल कर रखें। ऊपर आ गए, जाते टाइम तो पता नहीं चला, पर चढ़ते टाइम हालत ख़राब हो गई, ऊँचाई पर था, खड़ी चढ़ाई थी, तो चढ़ते टाइम हालत ख़राब हो गई। बट हाँ, फाइनली हम लोग पार्किंग पर पहुँच गए, ये पीछे पार्किंग है पूरी, तो दर्शन हमारे अच्छे हो गए। तो यहाँ हमने चाय बिस्किट लिया है, क्योंकि खाना जो है हमारा गाड़ी में, और गाड़ी हमने 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पार्किंग पर लगा रखी है, तो यहाँ हम चाय बिस्किट हल्का सा खाएंगे और उसके बाद गाड़ी में जाकर खाना खा लेंगे, और यहाँ से कुरकुरे वगैरह लेते हैं। कुरकुरे होंगे भैया? चाय वाले भैया बता रहा है, चैत का महीना ख़त्म हो रहा है, बैसाख लग गया, वैसे आज ज़्यादा भीड़ है। दिन अच्छा है, दिन अच्छा है। चाय पास करो, ये सब लोग चाय ले रहे हैं। भाई अच्छे दिन पे आए हैं।
हाँ तो कह रहा हूँ क्या हुआ तेरे को कुछ नहीं भाई चाय सुमित सुमित बता नीचे कैसे कैसा लगा कैसे दर्शन हुए भाई लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना तगड़ा व्यू देखा जो नीचे मंदिर का था और उसके साइड का नेचर अच्छा इससे पहले नहीं आता था ना कुछ फर्स्ट टाइम व्यू ही नहीं देखा था इससे पहले आज तक चल दर्शन हो गए ना अच्छे दर्शन हुए एकदम अच्छा तो हाँ भाई तुम लोगों के दर्शन कैसे हुए भाई सबके दर्शन अच्छे हुए और सब लोग अब जा रहे हैं गाड़ी के पास इस ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें क्या करें जोर से बोलो सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर कर देना यार थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय दोस्तों फाइनली गाड़ी के पास पहुंच गए जो कि हमने पार्किंग से काफी दूर खड़ी कर रखी थी तो यहाँ बैठ के कर दिन का लंच कर रहे हैं जो कि हम घर से पैक करके लाए थे तो बता दो क्या किस किस चीज की सब्जी है आलू पत्ता गोभी आलू गोभी आलू की भजिया और भरता आलू गोभी और ये पता नहीं क्या है आलू गोभी तो तीन चार तरह की सब्जी है पानी डालिए ये भरता मामा ने बनाया है देखो पानी की बोतल निकाल के लाए एरी 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 दियो एक उसके अंदर रखी है